सीपीयू के बारे में। सी पी यू। तो चलिए गाइस देखिए ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू के बारे में आज हम आपको बताएंगे सीपीयू व्हाट इज सीपीयू एंड उसे कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है और भी उसके कुछ जानकारी आपको देंगे हम। सो देखिए गाइस पहला हम आपको यह बता देते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीपीयू। देखिए व्हाट इज सीपीयू। अब देखिए सीपीयू क्या होता है। अब देखिए इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए दोस्तों आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका काम क्या होता है। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग ये एक ऐसा यूनिट है। मैं यूनिट का मतलब होता है, इसका मीनिंग देखिएगा तो मतलब डिवाइस, एक ऐसा प्रोसेसिंग डिवाइस है। मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ लेकिन आप उसे यूनिट कहिएगा। देखिए प्रोसेसिंग यूनिट है, एक ऐसा डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि कंप्यूटर को हेल्प करता है प्रोसेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैं यहाँ पे फोर स्टार एजुकेशनल टाइप करता हूँ, फोर स्टार एजुकेशनल ऐसा टाइप कर दिया, देन वो कैसे मॉनिटर पे दिखाता है। ये देखिए पहले ये फोर स्टार एजुकेशनल मैंने लिखा, देन ये जाता है सीपीयू के पास। अब सीपीयू के पास गया, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जाके पहले प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो देता है मॉनिटर को। मॉनिटर को जब देता है तब हमारे सामने वो दिखाई देता है, डेस्कटॉप पे हमें वो दिखाई देता है। तो देखिए फोर स्टार एजुकेशनल लिखा, देन इसके पास गया, देन उसके बाद ये क्या करता है, ये सेंड कर देता है मॉनिटर पे। देखिए तब ये मॉनिटर पे सेंड कर देता है। अब देखिए गाइस ये तो आप समझ गए कि व्हाट इज सीपीयू होता है। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर को उसे सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन। देखिए कंप्यूटर को ब्रेन उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रोसेस होता है, जो हर एक चीज़ चलती है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड उसके सहायता से चलता है, उसमें कनेक्ट रहता है तब जाके वो प्रोसेस होता है। देन जब उसमें कनेक्ट रहता है तब जाके वो प्रोसेस होता है। अगर नहीं कनेक्ट हो, डिसकनेक्ट हो तो उससे प्रोसेस नहीं होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें होते हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया एंड एक्सेट्रा, और भी अलग अलग चीज़ें होते हैं। तो देखिए गाइस ये तो हम जान गए कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज ऑल वर्क फ्रॉम डिवाइसेस। सीपीयू आर डूइंग ऑल वर्क ऑफ कंप्यूटर, लाइक समझ लीजिए कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं उससे कनेक्ट रहती हैं तब जाके वो प्रोसेस करता है। तो देखिए गाइस ये तो आप समझ गए कि व्हाट इज सीपीयू एंड वो कैसे उसे क्यों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है, ये तो आप समझ गए, ये दो आप समझ गए। अब हम समझेंगे कि सेकंड वन हम आपको, ये तो हम समझ गए कि सीपीयू कैसा वर्क करता है, लेकिन क्या काम होता है सीपीयू, क्या काम होता है सीपीयू का वो तो हम जान गए, लेकिन सीपीयू कैसे वर्क करता है, सीपीयू कैसे वर्क करता है, हाउ डस सीपीयू वर्क। देखिए सीपीयू कैसे काम करता है, कैसे वो काम करता है सीपीयू। देखिए सीपीयू तीन बेसिस पर होता है, एक सीयू होता है, एक एमयू होता है एंड एएलयू होता है। देखिए ये तीन बेसिस पर यह सीपीयू काम करता है। अब देखिए
CU क्या होता है, CU का मतलब समझ लेते हैं। CU का मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में फुल फॉर्म बता दिया था, कंट्रोल यूनिट। अब देखिए कंट्रोल यूनिट का काम होता है, ये कंट्रोल यूनिट जो होता है, जैसे कि यूनिट CU होता है, इसका पूरा मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अब देखिए ये जो CU होता है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और इसका जो वर्क होता है, जैसे कि इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया डिवाइस, तो डिवाइस ये जो कंट्रोल करता है, ये सारे डिवाइस को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा वो हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया प्रिंटर, हो गया ये सब जो चीज़ें होते हैं, ये सब जो डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के, कीबोर्ड माउस एंड एक्सेट्रा और भी होते हैं, तो इन सबको कंट्रोल करने का काम दिया जाता है कंट्रोल यूनिट का। और देखिए गाइस, ये जो कंट्रोल यूनिट होता है ये एक्सटर्नल डिवाइसेस पे एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ये जो CU है ये किससे रिलेटेड होता है, ये CU जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उससे रिलेटेड होता है और उन्हीं को ये कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा CU, MU, ये दोनों चीज़ों को, ये जो दोनों हैं CU, MU, इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं। देखिए MU जो होता है इसका मतलब होता है मेमोरी यूनिट। अब देखिए मेमोरी में कौन से पार्ट्स आते हैं, ये तो जैसे कि हमने आपको बताया कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एक्सटर्नल से रिलेटेड होता है, एक्सटर्नल को ये कंट्रोल करता है। ये मेमोरी यूनिट जो होता है इंटरनल को, मीन्स अंदर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब देखिए अंदर के पार्ट्स में मेमोरी के पार्ट्स जो होते हैं, जो मेमोरी से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, ये उन्हें कंट्रोल करता है। जैसे कि रैम हो गया, ऑप्टिकल ड्राइव हो गया, एंड और भी अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो हो गए, डिवाइसेस हो गए। सो ये जो मेमोरी से रिलेटेड डिवाइस हैं इंटरनल में, वो भी CPU के अंदर, उन्हें कंट्रोल करने का काम मेमोरी यूनिट को दिया जाता है। ये था, ये तो आप समझ गए CU, MU। देन अभी हम आपको बताते हैं ALU। ALU जो होता है ये, तो इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए मैंने, अब ये दोनों तो आप समझ गए, ये कंट्रोल, ये CU होता है ये किससे रिलेटेड होता है, एक्सटर्नल पार्ट्स में कंट्रोल करने के लिए CU रिलेटेड होता है। अब देखिए MU किससे रिलेटेड होता है, ये इंटरनल पार्ट्स में, इंटरनल पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल करता है सब चीज़ों को, अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स के होते हैं मेमोरी यूनिट है ये। अब देखिए ये दोनों, अगर क्या आप जानते हैं कि CU, MU अगर है तो ALU है, अगर CU, MU है तो ALU है। तो देखिए गाइस कैसे है, क्योंकि देखिए अभी सपोज मैंने, जैसे कि अभी पहले या मैंने आपको एग्जांपल दिखाया फोर स्टार एजुकेशनल लिख के, तो फोर स्टार एजुकेशनल लिखा तो पहले कहाँ पे गया, तो फोर स्टार एजुकेशनल मैंने लिखा तो CPU के पास गया। लेकिन फोर स्टार जब लिखा मैंने, इससे पहले वो कौन सा चीज़ था जिससे मैंने लिखा, कीबोर्ड से, कीबोर्ड कौन सा इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, तो ये कंट्रोल यूनिट में आ गया। अब ये कंट्रोल यूनिट वाला हो गया हमारा। अब MU, अभी देखिए अब ये CPU के अंदर, अब क्या होता है CPU क्या करता है, अंदर अपने फोर स्टार एजुकेशनल को CPU लेता है, CPU के अंदर वो रैम को बोलता है कि भाई साहब आप इसे प्ले कर दीजिए और 100 रुपये सेंड कर दीजिए। अब ये जो रैम होता है वो भी, वो एक एक्सटर्नल पार्ट, ओ सॉरी इंटरनल पार्ट है, और जो हमारा कीबोर्ड था वो एक्सटर्नल पार्ट था। अब देखिए ये MU जो है, मींस मेमोरी यूनिट है, वो देखिए गाइस MU के अंदर मेमोरी यूनिट के अंदर कौन सा पार्ट आता है, रैम आता है, रैम उसे प्ले करने को देता है, उसके बाद मॉनिटर को सेंड कर देता है। जैसे कि मैंने फोर स्टार लिखा, उसके बाद वो लिखने के बाद वो चला गया CPU के पास, CPU क्या किया, सेंड कर दिया किसके पास, रैम के पास, जो कि वो मेमोरी यूनिट है। और जो कंट्रोल यूनिट है वो है हमारा कीबोर्ड, जो कि एक एक्सटर्नल पार्ट है, और जो मेमोरी यूनिट में आता है वो है हमारा रैम, जो कि एक इंटरनल पार्ट है। सो देखिए गाइस ये थे हमारे मेमोरी यूनिट, और ये जो मेमोरी यूनिट, ये तो आप समझ गए कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये CU, MU जरूर से याद रखिएगा। ये हमारा था, ये था हमारा ALU। देखिए गाइस ये दोनों का वर्क बहुत होता है, CU, MU। सो गाइस आई होप आपको CPU के बारे में पूरी डिटेल मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, एंड अगर हमारे चैनल पर नए
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा की तरह आप सभी लोग को मेरी तरफ से जय हिंद।